الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نا درود و سلام پڑھو والصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم نبی اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کروں تو بعد رب کائنات دی بارگاہ دی اندر دعا گو اللہ تعالی منو حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے سن کے سنا کے مینوں تھانوں سانو سب نو رب کائنات عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے تو عزیزان محترم خلق کائنات رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا فرمایا کہ میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے ایک نمونہ ہے ایک نمونے دے طور تے تواڈے سامنے پیش کیتی گئی کہ آپ دی زندگی وال ویکھ کے اس طریقے دے نال گزارن دی کوشش کرو کیویں مصطفیٰ نے اپنی زندگی مبارک نو برس کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपनी जिंदगी मुबारक नूं किवें बसर कीता, लोगां दे नाल किवें मेलजोल कीता। अगर दीन दा मामला आया तो दीन लोगों नूं किवें सिखाया, अगर कारोबारी लिहाज दे नाल कोई काम पेश आया कारोबार किवें कीता, अगर किसी दे नाल लैन देन की गल आई अमानत की गल आई तो मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम ने अमानता की किवें हिफाजत की। इस सारी की सारी जिंदगी मेरे रसूल की नमूना में इन्हें वाल वेख के सबक हासिल करो, रसूलुल्लाह वाल वेख के अपनी जिंदगी बसर करो। किवें प्यारे रसूल ने अपनी जिंदगी बसर की तो रसूलुल्लाह के गुलामों भी उवें जिंदगी बसर करनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे रसूल की जिंदगी मक्का दुल मुकरमा की सरजमीन से वेखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 40 साल मेरे मुस्तफा की जिंदगी लोगों के सामने बसर करवाई। जो 40 साल गुजरन के बाद अल्लाह के नबी ने कौम जमा किया, फरमाया कि मेरे बारे तुसी की ख्याल रखते हो। अगर मैं तुहानू कह दवां इस पहाड़ी की परली ओर से एक काफिला आ रहा वे, क्या तुसी मन लोगे? उन्हें काफरां भी अर्ज की सोना तुसी कदी झूठ बोलिया ही नहीं, कदी गलत बयानी की नहीं, सोने तुसी सदीक हो, तुसी सादिक हो, तुसी हमेशा ले सच बोलिया वे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जे मैं आखा मैं अल्लाह का नबी बन के आया वा, जदों गल नबुवत दी आई वो काफर खिलाफ हो गए, पर मेरे नबी नूं सादक भी मनते सी ते अमीन भी मनते सी। 40 साल अल्लाह के नबी ने जिंदगी बसर की, 40 साल एक जिंदगी का हिस्सा वे। तो हजरत अज 40 साल जो साडा कोई बंदा पहुंचता तो बुजुर्ग हो जाता वे, पर मेरे प्यारे रसूल ने 40 साल जिंदगी बसर करने तो बाद कोई बंदा पिंड बांह खड़ी करके नहीं कह सकता कि मेरी 40 साल की जिंदगी मैनू दसो कि मैं किसी ने गलत बयानी की हो, किसी ने फराड किया हो, किसी ने मैं धोखा किया हो, कोई लैन देन हेर फेरी की हो, कोई बंदा मैं साबित कर दे, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। तो हजरत ये मेरे प्यारे रसूल की जिंदगी नमूना बन गई साढ़े वास्ते। मेरे नबी ने मक्की अंदर 40 साल जिंदगी बसर की थी, फरमाया है तुहाडे विचों कोई मेरे ते ये गल कर सके कि मैं किसी ने झूठ बोलिया हो, किसी ने फराड किया हो, किसी ने धोखाबाजी की हो, किसी ने मैनू अपनी अमानत पकड़ाई हो, उस अमानत में खयानत की हो, है कोई बंदा? उन्होंने अर्ज की सुनिया तू सादक भी ते अमीन भी बन के आया। ये मेरे नबी की जिंदगी वे, बल्कि जो मेरी सरकार मक्के हिजरत करके मदीना तुल मुनव्वरा तशरीफ लैके गए, काफर ने जिन्हों ने अमानत पकड़ाइया ने उही मेरे रसूल नूं कतल करने वास्ते दरवाजे से खलोते ने। मेरे नबी ने फरमाया अली ऐ अमानत लै लै, इन्हों काफर दियां अमानत दे के ते मदीने टुर आवीं, मदीने टुर आवीं। हुण उही काफर मारन वास्ते दरवाजे से खलोते ने, उही काफर अमानता पै पकड़ाते ने। सवाल तो होंगे ना उन्होंने काफर से, पर उन्होंने काफर का जवाब भी कोई सी कि आने वाले जवाब भी दिता, चाहे असी रसूलुल्लाह के दुश्मन जरूर हाँ पर सानू पता कि अमानत विच खयानत सोना मुहम्मद कदी नहीं करता, ये सोना अमानत विच खयानत नहीं करता। ये मेरे प्यारे रसूल ने दरस दिता सानू कि वेखो मरन वाले भी काफर, अमानता पकड़ाने वाले भी काफर कह लगे। सोनिया दुश्मनी अपनी जगह थे पर सच्चाई तेरे विच ही नजर आई है। वोट चाहे अबू जहल दे रहे हैं, है? वोटा असी चाहे ये मक्के दे काफर का देने वा, पर सोनिया अल्लाह दा हबीब और सच्चा और सादक अमीन तू ही बन के आया। उन्हें काफर भी पता सी, वो एक बंदा सी ना मदीना काफरा
मक्यातुल मुकरमा दे विचों बाहर जा रहा ते बाजारां दे अंदर रोंदा जा रहा वे ते दुहाइयां दिंदा जा रहा, कोई मेरी बोली सुनने वाला ही कोई नहीं। ये मक्के अंदर है कोई बोली सुनने वाला ही नहीं है। ये मेरे मुस्तफा करीम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी की चोटी दे बैठे ने। अल्लाह के नबी ने जो उस बंदे की यह आवाज सुनी, उस काफर की आवाज सुनी, अल्लाह के नबी ने बुलाया फरमाया बेलिया की गल है, क्यों प्यार रोना वे। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेलिया क्यों प्यार रोना वे। अरज करदा सोने आओ रोवा ना होर की करा मैं, अल्लाह दा अल्लाह ने मैनू बची दिती, मैं गोठ लै ले आवे एक डाची लई वे। मैं आख्या डाची जदों बच्चा देवेगी उस बच्चे नू वेच के मैं अपनी बच्ची की शादी कर लवांगा। सोने जदों मेरी बेटी जवान हुई वे इधरों ये जिहड़ी डाची भी इंदा बच्चा भी जवान हो गया वे। कुर्बान जावा मुसलमान भाइयों ओ काफर कहन लगा सोने जरा मैं डाची का बच्चा लैके आया वा मक्का दुल मुकरमा की मंडी के अंदर वेचण वास्ते आया वा। एक मक्के का चौधरी है जिन्हें लिया ए जेड़ा बकरी ए डाची दा बच्चा वे जिन्ने ले आवे ए सोनिया मेरे पैसे नहीं पिया देंदा मनु कई दिहाड़े हो गए ओदे बूए ते चक्कर पिया मारना वा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया अच्छा ए कौन ए मक्के दा काफर केड़ा वे चौधरी केड़ा वे जिंदी तू डाची दिती है पैसे नहीं दिते। उन्हें आख्या सुन वाला कोई नहीं, मैं बनिया दरवाजिया दे फरियादा लैके गया वा। अल्लाह दे नबी ने फरमाया चुप कर जा जिथे मक्के दे काफर ने उथे सोना रब दा यार भी रहिंदा वे। जिथे काफर ते बेईमान रहिंदे ने ना उथे रब दा यार भी रहिंदा वे। फरमाया घबरा ना मैं तेरे नाल चलांगा। आओ मुसलमान भाइयों परवरदिगार रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब ने फरमाया चल मैं तेरे नाल चलना वा। अल्लाह दे नबी चलदिया चलदिया अबू जहल दे दरवाजे ते आए। अल्लाह दे नबी ने दरवाजे ते दस्तक दी, अंदरों अबू जहल बाहर आया, अंदरों अबू जहल बाहर आया। अल्लाह दे नबी ने फरमाया बेलिया अबू जहल जदों मुस्तफा नूं वेंदा सी ना ते जिस्म दे कांबा शुरू हो जांदा सी, जदों भी सोना आया खैर ही नहीं आया। अल्लाह के नबी की बारगाह च अर्ज़ की सोना किवें आए हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया काफर जिहड़ा सी उन्हूं सामने किया, पिछों कण तो सामने किया, तो अबू जहल दी लत्तां भी कंबणा शुरू हो गई कि हुण की बनेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंज तो उठ लिया वे, कहन लगा सोनिया लिया वे। फरमाया पैसे दिते ने सोना पैसे नहीं दिते। अल्लाह के नबी ने फरमाया देने या नहीं देने। अर्ज की सोने हूं तू आ गया हूं तो देने ही पैण गए ना, तू आ गया वे सोने हूं तो देने ही पैण गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फिर जल्दी कर लैके आ पैसे लिया दे उस काफर नू जदों दिते। वो फिर काफर भी मेरे मुस्तफा का गुलाम बनया तो मक्के दियां गलियां विच निकल के कोई दुआइयां देंदा वे, बाजारा विच निकल के कोई दुआइयां देंदा वे। सदा वसदा रबे तेरा दफारा या सदा वसदा रबे तेरा दफारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा, जिथे होंदा ए गरीबां दा गुजारा। एक
काफर ने भी दुहाइयां दित्तियां। जदों मुस्तफा दा अमल वेख्या ते मुस्तफा दा गुलामी दा ऐलान कर छड़िया तो हजरत ई मेरे मुस्तफा दी जिंदगी मुबारक सी के फरमाया ये मेरा सोना आया ते नीवियां ते माड़ियां दे विच ते वड्डियां दे विच अल्लाह दे नबी ने फर्क ही ना रखिया। फरमाया कोई नीवां होवे चाहे कोई वड्डा होवे मुहम्मद दी नज़र विच इको ही जाए ने। इत्थे सिर्फ दौलतां दे फैसले नहीं होंदे इत्थे दिलां दे फैसले होंदे ने। कोई नीवां आ जाए चाहे बिलाले हबशी क्यों ना होवे काले रंग दा गुलाम क्यों ना होवे। फरमाया मुस्तफा दी गुलामी विच आउण दा सदका है वे कि जो मुस्तफा की गुलामी का ऐलान करेगा अल्लाह की इज्जत की कसम बिलाल के पैर होंगे काबा की छत होगी काबे की छत से छड़ के मुस्तफा का ये गुलाम अल्लाह की तौहीद का ऐलान करेगा मुस्तफा की रिसालत का ऐलान करेगा। ये शान सी ये मुस्तफा की गुलामी में आने की शान है। तो हजरत ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम ने जिहड़ा मेरे मुस्तफा दे लड़ लग्या जमाने विच इज्जत वाला बन गया जमाने विच इज्जत वाला बन गया। मेरे नबी दे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने दे अंदर एक काफर यहूदी बच्चा सी यहूदी बच्चा मां दा जिहड़ा लिबास सी ना जगह जगह तो फटिया होया सी ते कपड़े जगह जगह तो फटे ने ते मां नूं कहण लगा अम्मा जे इजाजत होवे ते चाचे दे दरवाजे ते जाके तेरे वास्ते कपड़े ना ले आवां। मां तेरा जगह जगह तो जिस्म नजर आंदा है ते मेरे कोल वेख्या नहीं जांदा। आओ मुसलमान भाईओ परवरदिगार रब्बुल आलमीन दे नाल अल्लाह दे नबी दे नाल प्यार करन वाले ए काफरां दा बच्चा यहूदी दा बच्चा चलदा चलदा ए जदों चलदा चलदा चाचे दे दरवाजे ते आया दस्तक दित्ती अंदरों चाचा आया कहन लगा कौन कहन लगा है बच्चे ने आवाज दी चाचा मैं आया वा चाचा कहन लगा किवें आया वे अरज की दी चाचा मां दा लिबास जगह जगह तो फटिया वे जगह जगह तो जिस्म नजर आंदा वे चाचा मैनू लिबास की जरूरत है लिबास लैण वास्ते आया मैनू कोई कपड़ा दे दे मैं अपनी मां का जिस्म ढक लवाऊं कुर्बान जावा। मुसलमान भाइयों जदों ये गल की चाचे ने धक्का भी दिता मुंह दे तमाचा भी मारिया कहन लगा दौड़ी जा मैं सारी उम्र गया तुहाडा ठेका झुकिया वे तुहानू मैं कपड़े भी देंदा रवाऊं कुर्बान जावा। इस बच्चे दी अखां विचों हंजू आगा नन्नी जी उम्र चलदा चलदा गलिया विच आ रहा वे अगे वेख्या कि एक सहाबी रसूल मिले ने सहाबी रसूल क्या बात है अल्लाह दे नबी दा सहाबी दे नाल जदों इस बच्चे दा टाकरा होया ना ते रोंदिया वेख्या ते फरमान लगे बच्चिया क्यों रोना है खैर ते आ गए रोन की वजह की वे अरज की असी चाचे दे दरवाजे ते गया सां फरियाद लैके सवाली बन के गया सां धक्के मिले ने उत्थे धक्के मिले ने मुंह ते तमाचा भी वजिया वे ते मैं एक लिबास की तलब वास्ते गया सां ये जदों गल करदा वे नाले रोंदा वे नाले कहंदा वे दुनिया ए डाडी पर असी अमाड़े ए दुनिया ए डाडी पर असी अमाड़े ते डर दे उफ़ करे दे उठर जावन ऐ महबूब जिना दे नौ जूते ना मरे चाचे दे दरवाजे ते लिबास दी फरियाद लैके गया सां परवरदिगार रब्बुल आलमीन दे नाल
आप दे नबी दे नाल प्यार करन वाले हो। औ मुसलमान भाइयो जदों ये गल सुनी उस साहबी रसूल ने फरमाउन लगे फिर अज कर एक दरवाजा मैं दसना वा उस दरवाजे ते चला जा फरियाद कर तेरी खाली झोली नहीं मोड़िया जाएगा। उन्हें आख्या नबिया दी इमाम दी बारगाह विच चला जाए अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच चला जाओ कुर्बान जावा मुसलमान भाई चलता चलता अल्लाह दे नबी अपनी अम्मा दी बारगाह विच आया आण के कहण लगा अम्मा चाचे ने ते मार के मोड़ दिता वे जे अम्मा आके दे अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच मुसलमाना दे नबी कोल चला जावा कुर्बान जावा जदों ये गल कीती मां ने आख्या पुत्र चला जा पर गल याद रखी सुनिया जेड़ा ओंदे नैना नू वेख लैंदा वे फिर ओंदा ही हो जांदा है जेड़ा ओनू वेख लवे वह फिर ओंदा ही हो जांदा वे। जदों मां ने गल कीती ए बच्चा कहण लगा अम्मा खबरा ना मैं उस नबी दी बारगाह विच जावांगा सब तो पहले फरियाद करांगा सोनिया लबास देना ही दे 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 पर तेरा कलमा नहीं पढ़ना सोनिया लबास देना ते दे तेरी मर्जी है पर गल याद रख ली पर कलमा देरा मैं नहीं पढ़ना। जदों ये गल कीती ना मां ने आख्या ठीक है पुत्र जा आओ मुसलमान भाइयों ये बच्चा चलता चलता जदों अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच आया कहण लगा आई नैया मुहम्मद तुहाडे विचों मुहम्मद कौन साहबा ने अरद की ओ सामने कालिया जुल्फा वाला बैठा वे वो लजपाल जेड़ा बैठा वे ओ कोई मुहम्मद अल्लाह दा नबी है कुर्बान जावा मुसलमान बायो ए बच्चा चलदा चलदा अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच आया आण के कहण लगा सोने एक कपड़े दी फरियाद लैके आया वा यतीम बाप दा साया कोई नहीं मनु एक लबास दे दे एक कपड़ा दे दे कुर्बान जावा जदों ये गल कीती अल्लाह दे नबी ने फरमाया अपनी काली कमली दी चादर नू हाथ पाया वे अल्लाह दे नबी ने फरमाया बच्चिया ए चादर ही ले जा अल्लाह दे नबी ने फरमाया ए चादर ही ले जा वो चादर जिन्या कसम अल्लाह कुरान अंदर उठावे है जिस चादर दियां गल्लां अल्लाह कुरान अंदर करे वो चादर रहंदा भरी अल्लाह दे नबी ने फरमाया चादर ही ले जा। उस बच्चे ने जदों इंज करके चादर पकड़ी ना तो सीने नाल लाई क्या बात है जदों मुस्तफा दे जिस्म नाल लगन वाली चादर उस बच्चे दे सीने नाल लगी होगी तो अल्लाह की रहमत किवें छमा छम बरसती होगी। आओ मुसलमान भाइयों बच्चा जदों लैके मुस्तफा दी कचहरी विचों बाहर निकलिया बाजारा अंदर आ रहा भी चलता चलता ज़हन विच सवाल पैदा होने ने चाचे दे दरवाजे ते गया हालांकि चाचा खून भी है मेरा चाचा भी लगता वे पर चाचे ने लबास देने दी बजाए उन्हें मनु मारे आवे ए नबी लजपाल कुछ लगता भी नहीं कमली दी चादर दे छड़िए फरमाया काली कमली दी चादर दे छड़ी सोना लगता भी कुछ नहीं उधर पर उस चाचे ने बजाए लबास देने दी मनु तके दे के घरों कढ़ छड़िया इस सोने कोई गल भी नहीं की बजाए गल करन दे सोने ने मनु कपड़ा अदा कर छड़िया है अल्लाह दे नबी को चादर लैके मां दी बारगाह विच आया मां कहन लगी पुत्र आ गया मैं अर्ज की अम्मां चादर सोने अदा की लै चादर लै लै ते बच्चे दे रौनक चेहरे दी बदली बदली नजर पई आंदी वे मां ने जदों वेख्या मां कहन लगी पुत्र लगता है उस सोने का गुलाम बन गया वे
अरज की दी अम्मा कलमे दिया गल्ला पई करनी है, गुलामी दिया गल्ला पई करनी अम्मा, मैं उस सोने नू अपना दिल भी दे छड़िया वे अम्मा, मैं उस सोने नू दिल भी दे आया वा। कुर्बान जावा जो मां ने गल सुनी, मां कह लगी पुत्रा मैं ते तेनू पहले किया सी, उन्हें आखे अम्मा जो चाचे के दरवाजे ते गया वा उधर धक्के मिले ने, उधर तमाचे वजे ने, लजपाल खुल गया वा, चादर भी मिली वे, सोने ने दवावा भी दितिया ने, उस सोने ने चादर भी दी नाले दवावां दे नाल रुखसत कीता वे। अम्मा तू ते कलमे दियां ते गुलामी दियां गल्लां करनी है, मैं ते अम्मा उस सोने मुहम्मद नू दिल भी दे आया वा। ए मां ने आख्या अच्छा फिर एडा ही सोहना लजपाल सी, फरमाया हाँ अम्मा। मां ने आख्या चल फिर मैनू भी सोने दी बारगाह विच लै जा। लैके जदों चलदा आ रहा मेरे मुस्तफा मस्जिद चो बाहर निकले ते जो तो वेख्या ना कि वह माई बुढ़ी जी सोटी का सहारा लैके चलती, पुत्र का भी सहारा वे, चलदियाँ चलदियाँ मुस्तफा की बारगाह च अल्लाह के नबी ने फरमाया गुलामा मां नू क्यों तकलीफ दिती हो, मैं मुहम्मद नू कहिंदा मैं चल के आण के खुद कलमा पढ़ा देना सी। ये मेरे मुस्तफा की सीरत सी, इनू मुस्तफा की सीरत और जिंदगी का नमूना किया गया। हजरत अजे तो असी अपने मापिया के नाल प्यार नहीं करते, बगानिया के नाल प्यार तो बहुत दूर की गल है। तो हजरत इस वास्ते मेरे नबी ने फरमाया अपना होवे बेगाना होवे जेड़ा भी होवे मुस्तफा दे गुलाम दी शान है कि अपने बगाना नहीं वेंदा, वो अल्लाह दी मखलूक समझ के सारिया दे नाल प्यार कर। मेरे मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम दी जिंदगी का पहलू एक होर भी मिलता वे, गल मशहूर मरूफ है, सुनी होगी तुसी सारिया ने यकीनन। मक्के दे विच अबू जहल ने एक माई नू बुलाया ना, कहन लगा अम्मा मक्का छड़ दे इत्थे एक जादूगर आ गया वे, तो सुनिया जिहड़ा उन्हूं वेख लैंदा फिर उंदा ही हो जांदा वे, उंदे नैना दा गुलाम बन जांदा वे। ते अम्मा चंगी भली ते इहो ही है, तूं मक्के नू छड़ ते पेके टुर जा, अपने पेके टुर जा। मां ने जदों इह गल सुनी ते बड़ी हैरान होई, घर गई, घर जाके ना सारे घर दा जिन्हें कपड़े लीड़े से एक गठली विच लै बन, चौंतरे के बार चबूतरे से आके बह गए। सुबह दी बैठी है हुण वेंदी पई है, कदी उस चौधरी का बाल गुजरिया, कदी उस फलां का बच्चा गुजरिया, वे आवाजा देंदी है पुत्रा मैनू आ गठली का चकवा ना, कोई दी गठली नूं ठुड्डा मार के गुजर जांदा वे। कुरबान जावां जदों शाम का वेला होण लगा ना, ते ऐन शाम ढलन ते आई खलोती, जिस वक्त दिन ढलन ते शाम करीब है ते सोने मुहम्मद ने उस गली का मोड़ मुड़िया वे। आओ मुसलमान भाईओ, ए माई ने जो लजपाल आगा मदीने के दाजदार हसनैन ने नाना जानू वेख्या वे, अल्लाह दे नबी नू वेख्या दे वे कि कहन लगी सोने जरा गठली चुका दे, जरा गठली नू चुका। कुर्बान जावा मेरे लजपाल आका ने जदों गठली नू हथ पाया, हथ पाया ना ते वो गठली दा वजन ज्यादा, ते माई वाल वेख्या ते माई कमजोर नजर आई, माई पता लगे कि माई कोलो गठली चुकी नहीं जानी। सरकार ने जदों गठली नू हथ पाया ते वेखे अल्लाह दे नबी ने फरमाया अम्मा फिर पर अट गठली मैं खुद चुकना वा, ए गठली अम्मा मैं खुद चुकना वा। जदों लजपाल आका ने गल की ना, अम्मा भी गल लगी सोनिया तू ते है ही बड़ा सोहना वे, तू रहन दे एडा सोहने चेहरे वाला, तेरा लिबास आला, तू खुद इतना आला हसीनो जमील, पुत्र तू गठली चुकेगा ना ना मैनू चुका दे। मेरे लजपाले आका ने फरमाया होवेगा यकीनन क्या होवेगा अम्मा, ए दुनिया ते भी तुहाडा मैं भारा चुकना वे, हशर आले दिहाड़े भी मैं भारा चुकना वे, ये तो दुनिया है अम्मा, मैं अगले जहान भी तुहाडा भारा मैं ही चुकना वे। कुरबान जावा जदों मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम ने वलामो
अल्लाह दे नबी ने जो गठली चुक लई ए मैं गल्ला करदी जा रही है गल्ला कर दिया कोई दो चार मील का सफर किया अल्लाह दे नबी तशरीफ लै गए जदों माई दे बेके आले जगह आ गई वो पिंड आ गया सारे रान नबी दे खिलाफ गल्ला कर दी वे कहनी ये सोनिया लगदा चंगी मां दा पुत्तर इंज कर उस सोने दे कोल ना जावी उस सोने दे कोल ना जावी उस जादूगर दे कोल ना जावी जदों मां गल्ला करदी जा रही है अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच अर्ज करदी सोनिया गठली रख दे मेरा घर आ गया वे मेरा जदों मई ने आखिया ना कि सोने हुण गठली रख दे मेरा घर आ गया जदों अम्मा ने गल की ना गठली सोने मुहम्मद थले रखी अल्लाह दे नबी वापस मुड़े ते मई कहन लगी पुत्र जरा खलोते जा नाम दे दसी जा जे तेनू मिलना हो फिर कित्थे मिला जे तेनू मिलना हो फिर कित्थे मिला मई कहन लगी पुत्र ठहर जा पानी दा पी लै दरवाजे ते तां दुश्मन आ जाए ओनू भी पानी पुछना चाहिए वे सोने तू तो मेरी मदद की एडा सोना चेहरे वाला सोने ठहर जा पहले पानी तो पी लै खाना खाना खा लल पा लिया कभी बारगा च तरले भी कर दी सोनिया ठहर जाओ पानी पीती जा खाना खा लै अल्लाह दे नबी ने फरमाया अल्लाह दे नबी दी बारगाह विचों मैं अर्ज कर लगी सोनिया ए ते दस तेनू मिलना होवे ते कित्थे मिलांगी जरा अपना नाम दे दस मेरी सरकार ने फरमाया नाम मेरा है मुहम्मद अरबी उस माई नू तारीफ करा रहे ने इन लफ्जा के अंदर फरनाम मेरा है मुहम्मद अरबी ते आम नबी बी दजा ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਲੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਿਲੇ ਖਿਪਤਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਵੇ कोई गल भी नहीं की गठली भी थले नहीं सुती सोना किड्डा करीम है यह किड्डा करीम है माई कदमा जी डिग पई नाले कह लगी हद बन गए अरद कर दी चंगी मंदी ओ सजना खोलो अज कोई साडा होवे ना कोई गल साडे खिलाफ करे ऐसी गल नहीं बर्दाश्त करते जिन्ना हो सके असी उन्हों कोशिश करने कि उनका नुकसान पहुँचाती पर मुस्तफा दे सारे का गिले कर दी आई है तो जो सोने के मूँह सुनिया ना कि जिंदे मैं गिले कर दी आई ओ ही सोना मुहम्मद है जिंदे वास्ते मैं मक्का छड़िया ओ ही सोना मेरे नाल टुरदा आ रहा है तो माई कदम च डिगी हथ बन के फिर अरज की है जोग फिर मुहब्बत ना को सुभान अल्लाह जरा गज के को सुभान अल्लाह ओ माई कह लगी चंगी मंदी
सजना खोलो ते हो जांदी सवारी ओ यार यारदा ओ गिला नहीं कर दे ते असल परीद जिनादी फरमाया जेड़े लजपाल होण फिर गिला नहीं करते होवे सी कोई नस्ली यार होवे ते यार यारां दा गिला नहीं करदे होंदे फरमाया मां ने जदों इह गल कीती ना ते मां कदमी डिगी तरपा किता सोणिया मैनू माफ कर दी मैं तो उन्हें काफरां दे पिछे लग के तुहानू बुरा भला कहिंदी रही हां जो अम्मा ने गल की ना मेरी सरकार ने फरमाया अम्मा के दोवें हाथ पकड़े ते अम्मा के हाथों का भूसा लिया ते मेरा सोहना मुहम्मद फतेह बसामा मुस्कराया जो मुस्कराया मां ने वेखिया अम्मा कहन लगी सोहणिया गरीबां दा मजाक नहीं उड़ाईदा गरीबां दा मजाक नहीं उड़ाईदा मेरे लजपाले आगा ने फरमाया अम्मा मैं मजाक नहीं उड़ा रहे हूं अम्मा मैं दी तेरे नाल प्यार प्या करना वा अम्मा तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं कुर्बान जावा मां ने गठली चुकी नार चल पई मेरी सरकार ने फरमाया मां की गल हुण की बनया वे की गल तेरे पेके आ गए फिर मक्की नू पई जानी वे कहन लगी सुनया मैं पेकिया ना की करना वे जिनू सोना मुहम्मद मिल जाए मेरे नबी ने फरमाया अम्मा फिर मुबारक होवे अम्मा कहन लगी सोनिया मुबारक कादिया ने मेरी सरकार ने फरमाया अम्मा तेनू मक्का भी मिल गया वे ते मक्के वाला मुहम्मद भी मिल गया वे अल्लाह दे नबी ने उस माई नू नार लिया ते चलदे चलदे मक्के विच वापस आए मक्के दे विच वापस जदों वापस आए ना ते मक्के दी गलियां विच एक अबू जाल दे डेरे दे अगों जदों लंघे ना ते जदों गुजरे ते माई नू आवाज़ दिंदा है मां एक वारी बोलिया मां ने गल ही ना सुनी दूजी वारी फिर कहन लगा मां तीजी वारी फिर क्या मां तीसरी चौथी वारी पंजवीं वारी गुस्से नाल बोलिया ते अम्मा ने जरा अख भर के पिछा वेख्या ना फरमान लगे की गल है अरे अम्मा तू ते मेरा नाम सुन के डरती से मेरा नाम सुन के डरती सी हुण गल ही नहीं सुनती फरमाया पहले डरती सां पहले बिना साई तो सां हुण साइयां वाली बन गई मां है अगे मेरे सिर ते कोई नहीं सी हुण लजपाल सोना मुहम्मद दी गुलामी दा ऐलान कर छड्या है हुण मैनू डर सिर्फ रब दा या रब दे सोहणे यार दा वे तेरे जैसे कमीनिया तो मैं कादी जरूरत है डर एक मेरे रसूल ने दर्श दिता लोगों कि अल्लाह दी मखलूक दे नाल किवें प्यार करना बस ये माई दी सिरत सी मेरे नबी दा गुलाम है नाम हजरत दाहिया कलबी दाहिया कलबी जिहड़ा ये मुस्तफा दा गुलाम पहले काफर सी ते जिस कबीले का रहन वाला सी ते उस कबीले के जवान बड़े सोहने से बड़े सोहने सोहने होंदे सी ए भी बड़ा सोहना सी अद्दा के किताबां अंदर लिखिया वे कि जदों ये बाजार विचों गुजरदा सी ते लोग ते बीबियां बाजारां विच अपने खड़ी होके वेंदियां सी कि एडा सोहना रब ने बनाया किड्डा सोहना रब ने इहनूं बनाया वे ते बड़ा ही सोहना एक दिन बाजार विच चलदा चलदा मुस्तफा दी अख दे थले आ गया मुस्तफा दे नैना विच आया ना कि अल्लाह दे नबी ने घर आण के दुआ कीती या अल्लाह एडा सोहना कि अग दे जहन्नम दा ईंधन बनाउण वास्ते बनाया ही या अल्लाह इहनूं मेरी गुलामी दा मेरा गुलाम बना छड इहनूं मैं जहन्नम चो कढ के जन्नत वाले राह पा छड्डां इह जदों अल्लाह दे नबी ने दुआ कीती दुआ मुस्तफा दी होवे ते फिर ईमान दी दौलत ना मिले हो नहीं सकदा ए दवा चलदी चलदी
दाइया कलबी दे जदों सीने दे लगी दिल नूं ते असर की दांगी जापदी कसे इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद इजाब दिन झुकी कर गले से लगाया दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद। हजरत दाहिया कलबी नु जदों मुस्तफा ने वेख्या दुआ की अल्लाह ने ईमान की दौलत दी। हजरत दाहिया कलबी एक दिन ना मस्जिद दे विच दाखिल होए ना पैरां दियां पब्बियां पार चलते पे पब्बियां पार पूरा पैर जमीन ते नहीं जाते। जदों अल्लाह के नबी ने वेख्या अल्लाह के नबी ने फरमाया दाहिया की गल है पैर जमीन ते नहीं लाता कोई दर्द है पैरों में कोई वर्म हो गया है। अरज की सोनिया नहीं सिर्फ डर लगता कोई पैर थले आके कीड़ी भी मर ना जाए डर लग जो ये गल की ना अल्लाह के नबी ने फरमाया ए दाहिया जरा हालत कुफर वाली जरा गल मेरे गुलामों को सुना ना इन्हों भी पता लगे इन्हों के नबी ने कैसे कैसे लोगों को जहन्नम चो कढ़ के जन्नत वाले राय पा छड़िया वे। पर मैं एक गल की उस गुलाम ने हजरत दाहिया कलबी अल्लाह के नबी की बारगाह विच बोले ने अरज करते ने सुने जो मैं हाल दे कुफर विच जाऊं मैं उदो अपने कबीले का सरदार सा अपने कबीले का सरदार सा सुने मैं बच्चियों जिंदा दफन करता सा अपने कबीले दियां 70 बच्चियां जिंदा दफन की ने जिमें अज पे करते हैं अज में अज मुसलमान पे करते हैं जिमें अज मुसलमान अपन बच्चियों के नाल नफरत करते हैं इस तरह काफर भी करते सी। हजरत जो क्या लगा कि सुनिया मैं अपने कबीले दियां 70 बच्चियां दफन कीतियां एक गल पे करते ने जबरीले अमीन तशरीफ लैके आए उस वक्त हजरत दाहिया कलबी अर्ज करते ने सुनिया जिन्हें मैं गुनाह किए ने रब मैनू बख्शना कोई नहीं। जबरीले अमीन अर्ज आन के अर्ज करते ने सुनिया अपने गुलाम नू कह दियो अल्लाह फरमा रहा है तुहाडे सदके तुहाडी गुलामी का सदका पिछलिया की मैं माफ़ी देना वा इंदा तो करी ना पिछलिया मैं जाना तो या मेरा सोना महबूब जाए पिछलिया का फिक्र ना करी कुर्बानी जावा जो ये गल की ना तो फिर कह लगा सोने एक ऐसा भी गुनाह किया वे जड़ा रब मैनू माफ नहीं करना। अल्लाह ने नबी ने फरमाया मेरे गुलाम जरा दस दसी वो कि गुनाह वे अर्ज की सोने मैं अपने तजारत वास्ते जान लगा मेरे घर में बच्ची बच्चे की पैदाइश का टाइम से मैं अपनी बेगम नू किया वे अगर बच्ची पैदा होवे उन्हूं जिंदा दफन कर दे अगर बच्चा होवे उन्हूं रख लवी कुर्बान जावा मुसलमान भाइयों दाहिया कलबी कहना मैं तजारत वास्ते जला गया अल्लाह की करनी ऐसी हुई घर में बच्ची पैदा हो गई है। चलो बच्ची पैदा हुई ना तो मैं कुछ साल बाद वापस आया तो आके दरवाजे से दस्तक दी तो मेरी बेटी वो हुई कि हर रोज़ अपनी माँ को पुछदी है आंधिया गुआढ़ियों भी पुछदी कि किसी ने मेरे बाबे को वेख्या ये पुछदी वे कुर्बान जावा जो ये गल की सुनिया मैं जो वापस आया दरवाजे से दस्तक दी अंदरों बच्ची निकली कह लगी आने वाले कौन मैं आख्या तू कौन है बच्ची बोल के कह लगी मैं घर के मालक की बेटी वा जो ये गल की सुने बच्ची बड़ी हसीनो जमील है बड़ी सोहनी लगी कुर्बान जावा उनकी शक्ल भी मेरे नाल मैच कर दी वे अल्लाह ने नबी दी बारगाह विच जो मैं गल की अल्लाह ने नबी ने फरमाया फिर की होया अरज की सुनिया उस बच्ची नू मैं अंदर लैके गया वा मैं आख्या बच्ची जे तू इस घर दी मालक दी बेटी वे ते मैं इस घर दा मालक जे तू इस घर के मालिक की बेटी है तो मैं इस घर का मालिक हाँ
हजूर जो मैं गल की ना तो बच्ची ने मैं कलावा पा लिया सीने नाल लाया कह लगी बाबा मैं कितने छड़ के चला गया से मैं तेरे राह वेंदी रही मैं तेरे राह वेंदी रही वाहू आओ मुसलमान भाईओ जो अपनी बेगम नु पुछया ए कौन तसली वास्ते पुछया ए कौन ओ बची गया ओंदी बेगम कहन लगी हजूर ए तुहाडी बेटी जो ये गल की कहन लगी कहन लगा था या गल भी कहना सुनिया मैं अपनी बेगम नु आखिया मैं जो आख्या सी अगर बच्ची पैदा होवे उन्हूं जिंदा दफन कर दई अगर बेटा होवे रख लवी तू इन्हू मारिया कोई नहीं कहन लगी हजूर ए ते पाप ही होंदा वे जिहड़ा बच्चियां नू जिंदा दफन करदा वे सुनिया ए ते मां ए मां ते फिर मां ही होंदी ए सुनिया मां ते फिर मां ही होंदी है ना मां कोलों बेटी होवे या पुत्र होवे मां ते पुत्रां नू बेटियां नू नहीं ना मार सकदी क्योंकि मां जिहड़ा मुहब्बत अगर बाप सिर तों टुर जाए ना मां दे चौधरियां दियां थापियां थप के भी पुत्र पाल लैंदी वे तो हजरत कुरबान जावां जदों मां ने यह गल की ना दाई अकल भी कहन लगा जल्दी कर तैयार कर हुण मैं अपनी बच्ची नूं उन्नी देर खाना भी नहीं खावांगा पानी भी नहीं पीवांगा जिन्नी देर तक इन्हें मैं दफन ना करके आया इन्हू दफना के ना आया उन्हें बड़े तरले मारे उन्हें मोढ़ियां ते लिया बठा ना रिसा लिया ना उस वक्त दे जिहड़े आजाद सी धोया खुद नाल लै लै आओ मुसलमान भाईओ चलदा चलदा लैके जंगल विच आ रहे आवे जंगल विचों गुजर रहा पे आवे बेटी प्यार कर दी कह लगी बाबा मैनू कित्थे लैके चले आवे बाबा मैनू कित्थे लैके चले आवे जरा दस सी बाबा मैं ते तेरियां रावां वेंदी रही आं बाबा मैं ते लोगां नू पुछदी सां बाबा कित्थे लैके जा रहे आवे जंगल जंगल दे विच जदों मैं लैके आया हजूर मैं जंगल विच अपनी बेटी नू बिठाया मैं टोया खोदना शुरू कर दिता मेरी बेटी दौड़ के आंदी वे आ के मेरा पसीना साफ कर दी कदी पानी पेश कर दी बाबा पानी पी लै कई सालां दा थकिया होया वे कुर्बान जावा मैं टोया खुद आऊं हजूर टोया खुद तो बाद मैं अपनी बच्ची दे हाथ बन लै पैर बन लै टोए अंदर सुटिया वे टोए विच जदों सुटिया मिट्टी पौनी शुरू कर दीती जदों मैं मिट्टी पौनी शुरू कर दीती मेरी बेटी ने तरले बड़े मारे बाबा ना कर मैं ता तेरा राव दी रही वाऊं तू जदों आया ते मैनू मारना शुरू कर दिता वे बाबा ए कोई दस दे सही मैं कोई गुनाह कीता वे कोई मेरे मुंहों जुमला निकलिया वे जिन्हें मैनू सजा पिया दी ना वे बाबा ना मार तेरे कोल मैं कई कपड़िया का मुतालबा भी नहीं कर दी बाबा मैं खाने का मुतालबा भी नहीं कर दी बाबा मैनू मारना मैं गवानिया दे घरे कम कर लवांगी मैं लोकां दियां बकरियां चरा लवांगी बाबा मारना मैनू मारना जदों ये गल पई कर दी बाबा दूर मैनू कोई राम नहीं आया बाऊ जे मिट्टी पौनी है ते फिर एक कहना मन लै मार दे तू देना ही है मार दे तू मैनू देना ही है पर एक तरला मन लै दीदा जांदी वारी मिट्टी जे पौनी है ना ते पैरां वल्लों शुरू करी ए मूंह वल्लों ना शुरू करी ते बाप ने हजूर मैं अपनी बेटी नू पुछया इहदे विच वजह की वे कहण लगी कि बाबा जिस चेहरे नू मैं तकन वास्ते कई साल इंतजार करती रही हूं तू अपना कम करदा रह बाबा आखरी हद तक जदों आखरी दीदार तक मेरा आखरी सांस तक बाबा मैं तेरी जियारत करती रहांगी ये बेटी है जिहड़ी शफकत करती है बाप दे नाल आओ मुसलमान भाइयों बेटियां वाले भी हो भैणां वाले भी बैठे हो जरा तवज्जो दे नाल सुनिया जे अल्लाह दे नबी ने फरमाया दाइयां फिर की होया सुनिया मैं मिट्टी पाउंदा रहा मिट्टी पाउंदा रहा
सुनिया मनू फिर भी रैवना आया हूं मैं मिट्टी बंदा रहा वा हूं मेरी बेटी नाले रोंदी है नाले कहती ओ तेरा नबी कदों आवेगा ओ सोना कदों आवेगा जदों बेटिया जदों मावां दे सिरां दे दुपट्टे आ जाणगे भैणां नूं इज्जत मिल जाएगी जदों बेटियां नूं इज्जत मिल जाएगी बेटियां दे नाल बाप भी प्यार करनगे बेटियां दे नाल वीर भी प्यार करनगे भैणां दे नाल वीर प्यार करनगे मावां दे नाल औलाद प्यार करेगी ओ नबी कदों आवेगा मेरे नबी ने गल सुनी आहो जार रोना शुरू कर दिता अल्लाह दे नबी दी अखां विचों हंजू आ गए मेरे नबी ने फरमाया दाया दोबारा फिर गल सुना दोबारा फिर गल सुनाई मेरे नबी ने रोना शुरू कर दिता अल्लाह दे नबी ने फरमाया दाया जरा दोबारा सुना मैं उस बच्ची दी गल सुनना चाहना वा जिस बच्ची ने मेरिया रावा तकड़ी तकड़ी जान दे छड़ी वे उस बच्ची दी मैं आहू पकार सुनना चाहना वा जेड़ी बच्ची मेरिया रावा तकड़ी तकड़ी दुनिया तो टुर गई कुर्बान जावा जो ये गल की ना दोबारा फिर गल सुना साहबा फरमाते ने कि सारे साहबा रोए मुस्तफा भी रोए अल्लाह दे नबी ने फरमाया तीसरी बारी हुक्म दिता इसे वासे दा मियां साहबी कहंदे ने तियां लई ओ परदे सब बाबली ते पुत्रा लई जागी इदा चुप कर रहना अम्मो कुछ ना कहना इतिया दिया तकदीरा हजरत इस वास्ते फरमाया उस दोबारा फिर गल सुना मैं उस बच्ची की गल सुनना चाहना वा कि जिस बच्ची ने मेरिया रावां तक दी अपनी जान दे छड़ी तो हजरत ए मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम दे अल्लाह दे नबी ने फिर बिशारत दी फरमाया कि बच्चिया नूं जिंदा दफन नहीं करना इंदा तो बच्चिया दे नाल प्यार करना वे ते बेटिया दे नाल प्यार करना वे मां दे नाल मावां नूं मंडी विच वेचण वाले वो काफर जो तो सोना मुहम्मद ने कदम रखे ना अल्लाह के नबी ने फिर मां नूं इज्जत दिती बेटी नूं इज्जत दिती भैन नूं भी इज्जत दिती ते बेगम की इज्जत नूं भी बरकरार करवाया हजरत ये सारे मामला मेरे मुस्तफा ने सदके दे नाल ये सारिया बहारा आईया अल्लाह के नबी दुनिया दे आए ये सारिया बहारा नबी दे आउंदे नाल आईया ने इस वासे मुसलमान भाइयो अपनिया मावां दे नाल भी प्यार करिया करो ए मेरे नबी ने दसिया वे भैन दे नाल प्यार करना ए मेरे नबी ने दसिया वे अज सारिया मावां नूं इज्जत मिली भैन नूं इज्जत मिली बेटी नूं इज्जत मिली ए सारे दा सारा कुछ मेरे नबी दी बरकत दे ए मेरे नबी दी आमद दी वजह वे आओ मुसलमान भाइयो फिर ये कोई फरियाद कर लैने वा ये कोई फरियाद है फिर साड़ी दे कि सदा वसदा रफे तेरा दबारा फारा या रसूल अल्लाह जिथे हो दए गरीब दा गुजारा जिंदा जिंदा गुजारा दरे रसूल ते भी उत्ते मेरे नाल पड़ेगा हथां नूं बुलंद करके ते जेड़ा कहता दा वसदा
रवे तेरा दबारा। मैं दुआ करना वा या अल्लाह जेड़ा जिनी ऊंची आवाज नाल पड़े इस साल मक्की दे मदीने दी हाजरी हो जाए सदा वसदा रवे तेरा दबारा। अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबा दा गुजारा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद अंदर इरशाद फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। हजरत मुस्तफा दी जिंदगी मुबारक तुहाडे वास्ते नमूना वे। फरमाया इंदे वल वेख के अपनी जिंदगी बसर करो, रसूलुल्लाह दी नकल उतारो। जे रसूलुल्लाह दी नकल उतारण विच कामयाब हो गए कबर भी कामयाबी इंशाल्लाह हो जाएगी, हशर विच भी कामयाबी हो जाएगी। ये रसूलुल्लाह दी नकल उतारण दा बरकत है। इस वास्ते हजरत मेरे मुस्तफा दी गुलामी दा ऐलान अगर किया है फिर इंज करो जिमें मुस्तफा दे किया वे सानू जिमें अल्लाह रसूलुल्लाह दी गुलामी मंगदा वे और रसूलुल्लाह ने जिमें गुलामी दा ऐलान किया वे कि अपनी जिंदगी दे अंदर कदी किसी का हक नहीं खाना ये मेरे रसूल दी सीरत दसदी वे, किसी दे नाल धोखा नहीं करना ये मेरे रसूल दी सीरत दसदी वे, किसी दे नाल फराड नहीं करना ये मेरे नबी ने फरमाया वे, किसी का हक नहीं खाना ये मेरे नबी ने दसिया वे, हकूकुल इबाद का ख्याल रखना वे ये मेरे नबी ने दसिया वे, गवांडियां दा बेटियां दा बेटियां दा मां दा भैन दा हक नहीं खाना ये भी मेरे नबी ने दसिया वे, नमाज पंज वक्त की पढ़नी ये भी मेरे नबी ने दसिया वे, अगे माहे रमज़ान आ रहा वे इन्हें रोज़े रखना ये भी मेरे नबी ने दसिया वे। माशाल्लाह लोग जकात भी इन्हां दिहाड़ियां च देंदे ने, जिस बंदे ते जकात फर्ज है मैं पता कि मैं अल्लाह के हुक्म दे नाल साबे हसीयत हाँ उन्होंने जकात देना भी चाहिए ये भी मेरे नबी ने दसिया वे। रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर मेरे नबी का चलना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना है तजारत करना ना करना मक्के की जिंदगी मदीने की जिंदगी है जंगा की जिंदगी है या घर में बैठन की जिंदगी या घर की जिंदगी सब कुछ मेरे रसूल की साढ़े वास्ते नमूना वे। तो हजरत अपने नबी की सीरत को अपनाओ इस तरीके अपनाओ कि दुनिया तो जो जाओ अपने दे अपने रह गए बेगाने भी तेरे वाल वेख रशक हासिल कर के है दुश्मन सी पर इदा का दुश्मन अल्लाह ताला है रसूलुल्लाह का गुलामी बन के बंदा गुलामी रसूल जिंदगी बसर करे है ते उन्दे ते फरिश्ते भी रशक करते ने अपने भी रशक करते ने बेगाने भी कहते ने कि ए रसूलुल्लाह का गुलाम है है आ देखो रसूलुल्लाह के गुलाम का जनाजा जा रहा है। हजरत जिन्होंने गुलामी में जिंदगी बसर की 1400 साल भी गुजर गया है या जिन्ने साल भी गुजर गए हजार साल गुजरों तो बाद भी अज दाता दा नाम जिंदा वे मेरे पाक गौस का नाम जिंदा वे, क्यों उन्होंने रसूलुल्लाह की सीरत नू अपनाया। तो खुदारा अज सानू भी चाहिए रसूलुल्लाह की सीरत नू अपनाइए क्योंकि असी कलमा रसूलुल्लाह का पढ़िया वे, कलमा जिन्हें जिन्हें रसूल का पढ़िया वे रसूलुल्लाह के ताबे होकर जिंदगी बसर करे, जिन्हें रसूल का नहीं पढ़िया वो अपनी मन मर्जी नाल गुजारे। इस वास्ते रसूलुल्लाह के गुलाम बन के जिंदगी बसर करो। अल्लाह के दवा है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।